सो बस अभी हम सब लोग अभी भी आए हैं, बैठे हैं, तो बस अभी केक वगैरह आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम सब लोग आ गए हैं होटल राज पैलेस। तो सेकंड टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे, पिछली बार मैं आई थी। तो बस अभी हम सभी लोग अंदर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पे है डिनर का रखा हुआ है इन्होंने। तो अभी हम सभी लोग बैठ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बस हम लोग आ गए हैं होटल में और सभी लोग बैठे हैं। हम दोनों इधर सीट पे बैठे हैं, इनाया इधर खड़ी हुई है और बाकी के लोग सामने वाले बैठे हैं। ये देखो, और हमारे साथ आया ये मामू का लड़का है, आपको पता है, आप जानते हैं पहले से। तो इस बार ये हमारी पार्टी का ये भी हिस्सा बना है। तो बस अभी हम सब लोग अभी भी आए हैं, बैठे हैं, तो बस अभी केक वगैरह आ रहा है, दे दिया है रिसेप्शन पे। तो फिर पहले होगी केक कटिंग, फिर उसके बाद देखते हैं कौन क्या खाता है। तो पहले केक कटिंग करते हैं, फिर गिफ्ट वगैरह देंगे। पहले बलून का बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर बाद का आप लोगों को दिखाते रहेंगे, हर मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और हम वही रेस्टोरेंट में आए जिसमें हम पहले आ चुके हैं कई बार, और जिसमें बलून का जो मैरिज का फर्स्ट मंथ पूरा हुआ था, कंप्लीट हुआ था। तो जब हमने जो है डिनर पार्टी दी थी, तो उसी में हम आए, क्योंकि ये जो है हमारे घर के बहुत करीब है और नाइट का टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा दूर जाना, मतलब हम लोग नहीं जाते ज़्यादा दूर, तो इसलिए पास का होटल बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट। क्या इन आलिया बोल रही है मुझे पिज्जा चाहिए, तो आलिया के लिए जो है ऑर्डर कर देते पिज्जा जब तक आएगा, जब तक केक काट देते। और इन्नों की मस्ती है देखो, आ जाओ, जाने किसको बुला रही है, आ जाओ। वो बाकी लोगों को बुला रही है, बाकी लोग बैठे हैं ना, सबको बुला रही है, आ जाओ, चाची का बर्थडे है। तो आप लोग भी जो है बुलबुल का बर्थडे एंजॉय कीजिए। ओके तो ये था मेरा बर्थडे केक जो मेरे हस्बैंड की पसंद से है और मुझे बताया भी नहीं गया था। मेरे लिए ये सारा सब कुछ सरप्राइज रखा गया था, ये मेरे हस्बैंड की पसंद से है। और ये पूरी पार्टी मेरे हस्बैंड ने ऑर्गेनाइज की थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पे बाजी ने बोला था ये सारी कैंडल्स एक ही बार में बुझानी है, तो मैंने ट्राई किया और एक ही बार में बुझ भी गई थी ये मुझसे, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो अब आ गई है केक कटिंग करने की बारी। तो आ गई है मेरे साथ में आलिया और मेरे हस्बैंड जी, और मैंने मम्मी जी को भी बुला लिया था, मम्मी जी मेरे साथ में आ जाओ। तो उन्होंने भी मेरे साथ में केक कटिंग किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मम्मी जी भी मेरे साथ में केक कट कर रहे हैं यहाँ पे।
और आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं भी क्लैपिंग कर रही हूँ, तो मैं इन्नू को देखकर क्लैपिंग कर रही थी क्योंकि वो भी क्लैपिंग कर रही थी मेरे साथ में और बहुत ज्यादा खुश हो रही थी इन्नू। बस अभी मैं सभी लोगों को केक खिला देती हूँ, तो सबसे पहले खिलाऊंगी आलिया को। तो यहाँ पे खेलेगी हमारी सबसे छोटी और सबसे प्यारी सदस्य घर की, हमारी इन्नू। और वो बहुत खुश हो रही थी मुझे केक खिलाकर। तो यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा मजाक कर रहे थे, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो रही थी इसलिए हम सभी लोग बहुत ज्यादा हंसी कर रहे थे। तो बस अब अभी यही दे रही हैं मम्मी जी मुझे गिफ्ट, और उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं भी दी हैं। और अब आ गई हैं हमारी आशिफा बाजी, तो वो भी मुझे गिफ्ट दे रही हैं। तो अभी देंगे मेरे हस्बैंड जी मुझे गिफ्ट, जो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट था मेरे लिए। उन्होंने दिए हैं मुझे ये गोल्ड के इयररिंग्स, मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे मुझे। तो यहाँ पे आशिफा वादी देख रही हैं मेन्यू।
यहाँ पे आशिफा बाजी ने देख लिया है, तो फिर बाजी ने बोला कि अब बुलबुल चूज़ करेगी क्या मंगाना है उसे। तो फिर यहाँ पे मैं भी देख रही हूँ कि कौन कौन सी डिश है यहाँ पे। पनीर, बंजारा कबाब, मखमली मलाई से, कुम अंगारा, आलू नजाकत नजाकत से बनती है वो, हरा भरा सीख कबाब, कुम पनीर। तो सबसे पहले आ गया है हमारा मसाला पापड़। इस टाइम पे आ गया था गुलाबसा का फोन, तो मैं यहाँ पे गुलाबसा से बात कर रही थी और मैं उससे बोल भी रही थी कि सभी लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं गुलाबसा को, और मैंने बोला भी था उस रुकने के लिए, लेकिन वो उसको जाना पड़ा, उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी इसीलिए। और अब आ गया है बेटू के लिए चीज पिज्जा, जो बेटू पहले से ही मांग रही थी मुझे पिज्जा खाना है, तो इसीलिए उसका पिज्जा आ गया है। बेटू को चीज पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है। अब आ गए हैं हमारा खाना, क्योंकि हम लोगों को लग रही थी बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख, तो बस खाना भी सर्व होने वाला है हमारा। तो ये खाने में मंगाई है हमने सब्जी, ये इसका नाम है वेज गोल्ड स्पेशल, जो ये सभी लोगों को सर्व कर रही हैं। और मंगाया था हमने दाल मखनी और पनीर स्पेशल। तो वेज गोल्ड स्पेशल हमारी हो गई है सर्व, और अब हो रहा है हमारा पनीर स्पेशल, ये सर्व कर रही हैं। और ये है हमारी दाल मखनी। ये है हमारी बटर तंदूरी रोटी, और राइस में मंगाई थी हम लोगों ने जीरा राइस। तो खाना हो गया है हमारा सर्व और हम सभी लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है खाना। और ये है हमारे मामू के बेटे आजाद भाई। तो बस अभी हम सब लोगों का खाना हो गया है और बस हम लोगों की जाने की तैयारी है। तो बस उससे पहले हम लोगों ने मंगाया है आइसक्रीम, तो बस आइसक्रीम खाकर ही जाएंगे। और इन लोग देखो कितना परेशान कर रही हैं सबको। इन लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं सबको, किसी की गोदी में नहीं आ रही है, ये सिर्फ चाची की गोदी में आ रही है, सिर्फ चाची की गोदी में। बैठे हैं और आइसक्रीम खाकर जाएंगे और इन्हों दादा को याद कर रहे हैं। तो खाना हमारा हो गया है सभी का, तो अब आ गई है हमारे लिए आइसक्रीम, जो मैंने ही ऑर्डर की थी, मेरी ही पसंद की है, बटर स्कॉच।
है बुलबुल की ये बर्थडे सेलिब्रेशन में हम लोग खा रहे हैं लास्ट में आइसक्रीम। तो आप लोग को अच्छा लगता है ना आइसक्रीम? बुलबुल की पसंद है ये बटर स्कॉच, ये बुलबुल की फेवरेट है इसलिए बुलबुल ने मंगाई है। मीठा तो खाती नहीं लेकिन आइसक्रीम में वो मीठा खा लेती है। इन्हें बोल रही है कि आप लोगों से बात करने लगी और आइसक्रीम खिलाई थी, उसको आइसक्रीम खिलाई। तो बस अभी हम सभी लोग वहाँ से निकल ही रहे तो ये हमें एक्वेरियम मिला जो होटल में ही था, और ये फिश हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और आलिया भी इनके साथ में बहुत ज़्यादा खेल रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और हम लोग होटल से बाहर निकल आए हैं। तो ये है इशिकास राज पैलेस होटल। तो यहाँ पे हम लोग पिछली बार भी आ चुके हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड टाइम आई थी मैं यहाँ। तो फर्स्ट टाइम मैं तब आई थी जब मेरी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी, तब मैं यहाँ पे आई थी, और अब मेरा सेकंड टाइम है। तो हम सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया है और हम लोग निकल आए हैं बाहर, और भैया चले गए हैं ऑटो देखने के लिए क्योंकि हम लोग ऑटो से जाएंगे। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मैं गिफ्ट ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या गिफ्ट है मेरे लिए। तो बस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।